Hello and welcome, kids! Once again to your science classes of grade fifth. And in this part of the video, kids, I'm further going to explain chapter number ten of your science course book. That is about force and machines. In which we have already seen that yes, we perform many actions daily that involve push or pull. For example, pushing a cart, pushing a door, and pulling a chair are actions that need push or pull. And then we have seen that yes. Force. What is force? A push or pull applied on an object is called force. A boy pulling a toy car, a boy pushing the sorry, a boy pushing the paddles of a bicycle, and a lady drawing water from a well. These are some of the examples of force. Then we have seen that yes, there are so many uses of force in our daily life. For example, a force can move a stationary object. A force can stop a moving object. मतलब किसी भी स्थिर वस्तु को फोर्स जो है मूव करा सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप कर सकता है इवन इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ देन बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो देन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस तो वी है

देन क्या हम अप्लाई कर रहे होते हैं हम अपना मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वहां पे दे रहे होते हैं मस्क्यूलर फोर्स इज अप्लाइड इन ओपनिंग अ डोर दरवाजे को खोलने में किकिंग अ फुटबॉल किसी फुटबॉल को किक करने में प्लकिंग फ्रूट्स प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना जब आप फलों को तोड़ रहे हो ट्रीज से फ्रॉम अ ट्री एक्सेट्रा सो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज वेयर यू आर यू आर प्लेइंग समथिंग वेन यू आर वॉशिंग क्लोथ्स वेन यू आर राइटिंग By pen or pencil over your notebook, then there are so many activities when we are applying our muscular force. Okay, so any such activity where we are involving our body muscles to complete that task and we are applying push or pull effect, or in scientific terms, we are applying force, then we are applying muscular force over there. <clears throat> Next topic is electrostatic force E L E C T R O, electro S T A T I C, static force, electrostatic force. tear अ पेपर into tiny टाइनी पीसेस सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी you यू कैन परफॉर्म इन योर होम ऑल्सो आपको क्या करना है कोई रफ पेपर लेकर उसे छोटे छोटे पीसेस में टाइनी पीसेस मतलब वेरी स्मॉल पीसेस में फाड़ देना है टीयर कर देना है एज यू कैन सी हियर, इन दिस पिक्चर रन अ कॉम थ्रू ड्राई हेयर येस नाव योर हेयर शुड बी ड्राई इट शुड नॉट बी ऑयल इट शुड नॉट बी वेट आपके बाल जो है वो सूखे होने चाहिए उसके बाद आपको एक कॉम लेना है कॉम मीन कंघी और उसको अपने बालों पे रन करना है ओके फॉर थ्री टू फोर ओके नाउ ब्रिंग द कॉम क्लोजर टू द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर अब जिस कॉम को आपने अपने ड्राई हेयर पे रब किया है रन किया है उसी सेम कॉम को uh, आप उन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आइए वॉट यू विल ऑब्जर्व वॉट यू विल नोटिस द बिट्स ऑफ पेपर स्टिक टू द कॉम जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं वो कॉम से चिपक जाएंगे थोड़ी देर के लिए एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द बिट्स ऑफ पेपर मतलब के, कागज के टुकड़े थे वो कंघी से स्टिक हो गए चिपक गए कब हुए ऐसा वेन यू हैव रन अ comb थ्रू योर ड्राई हेयर आपने अपने सूखे बालों में जब उस कॉम को दो तीन मिनट के लिए रन थ्रू किया गो थ्रू किया ठीक है उस कॉम्प को अपने बालों पे फेरा अगर प्रॉपर हिंदी में मैं कहूं <coughs> जैसे आप अपने बाल कॉम करते हो तो इन सिमिलरली बट मेक श्योर योर हेयर शुड बी ड्राई इट शुड नॉट बी ऑयल्ड इट शुड नॉट बी वेट ओके प्रॉपरलीट योर हेयर शुड बी ड्राई देन ओनली दिस एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल नोटिस दिस फैक्ट दिस थिंग ओके सो आफ्टर रनिंग द कॉम थ्रू योर हेयर हेयर वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू ब्रिंग दैट एंड ऑफ द कॉम टुवर्ड्स द टाइनी बीट्स ऑफ पेपर बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े कागज के छोटे छोटे टुकड़े देन वॉट यू विल नोटिस सॉरी किड्स वॉट यू विल नोटिस द बिट्स ऑफ पेपर स्टिक टू द कॉम जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उस कागज के वो कॉम से स्टिक हो जाएंगे चिपक जाएंगे दिस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये एक्टिविटी क्यों पॉसिबल हुई हमें ऐसा क्यों ऑब्जर्व करने को मिला वाई द बिट्स ऑफ पेपर स्टिक टू द कॉम सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है सम व्हेन रब्ड विथ अदर मटेरियल्स गेट चार्ज कुछ जो मटेरियल्स होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उन्हें किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं घिसते हैं रब को प्रॉपर हिंदी में कहते हैं घिसना ठीक है लाइक आई एम डूइंग लाइक दिस सो वॉट आई एम डूइंग आई एम रबिंग माई फार्म आई एम रबिंग बोथ ऑफ माई हैंड्स ओके सो सिमिलरली जब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जब वो किसी दूसरे मटेरियल्स, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किए जाते हैं तो उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है नाउ किड्स अबाउट चार्ज यू विल स्टडी इन प्रॉपर डिटेल इन योर हायर साइंस क्लासेस यू विल गो इन नाइन्थ एंड टेंथ राइट नाउ मैं आपको सिर्फ इतना ब्रीफ दे सकती हूँ इतना बता सकती हूँ दैट यू कैन अंडरस्टैंड की एवरी ऑब्जेक्ट एवरी मैटर इन दिस इन दिस वर्ल्ड इट इज मेड अप ऑफ एटम्स ठीक है वेरी टाइनी पार्टिकल्स बाय विच एवरी मटेरियल एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस प्लान इज अगेन अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड इन द सेंटर इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम देयर इज न्यूट्रॉन्स ओके एंड दिस इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं दिस इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज बीइंग कैरीड बाय द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो जो भी सब्सटेंस जो भी मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स वो याटम्स से बने हैं एंड एटम्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड देन न्यूट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ओके एंड न्यूट्रॉन्स आर ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइन सो दिस वाज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नॉलेज रिलेटेड टू दिस चार्ज फैक्ट विच आई हैव यू राइट राइट नाउ नाउ है पॉइंट द फैक्ट विच यू हैव टू नो की कुछ जब किसी अदर मटीरियल के साथ रब किए जाते हैं घिसे जाते हैं देन दे गेट चार्ज उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है दीज चार्ज मटीरियल्स इधर इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट अब इस जो चार्ज डेवलप हुआ है इसकी वजह से दो इफेक्ट हो सकता है दो फंक्शन हो सकता है इस डेवलप्ड चार्ज की वजह से या तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेंगे आकर्षित कर लेंगे अट्रैक्ट कर लेंगे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने से रिपेल कर देंगे दूर कर देंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिपेल द मीनिंग ऑफ रिपेल इज टू पुश समथिंग बैक और अवे मतलब किसी चीज को दूर कर देना अवे कर देना तो जो ये चार्ज डेवलप होता है कब होता है वेन सम ऑफ द मटीरियल दे आर बींग रब्ड विथ समय इज अ चार्ज डेवलप्ड okay in those materials so now due to this charge those materials can either attract some other object or repel some other object okay so in this case what we have seen when we have run the comb through the dry hair a charge has been developed in this comb in this comb type of material and due to this developed charged in it the comb it was able to attract the tiny bits of paper towards itself कॉम इज एबल टू अट्रैक्ट दीज टाइनी बिट्स ओके नाउ हेयर द कॉम गेट्स चार्ज एज आई है इन दिस एक्टिविटी जो कॉम थी वो चार्ज हो गई ड्यू टू रनिंग थ्रू ड्राई हेयर क्योंकि वी वी हैव हैव रन टेकन द द थ्रू ड्राई हेयर थ्रू आर ड्राई हेयर एंड अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर और उसने छोटे छोटे जो बिट्स ऑफ पेपर हैं टुकड़े हैं पेपर के उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ ओके सो ऑल दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा जो कुछ भी हुआ इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अल्टीमेटली द चार्ज व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड

लिए यूज़ हुआ है, these two objects के लिए, मतलब वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है टच में है देन ओनली दिस फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शन इट वर्क फ्रिक्शन स्टॉप और स्लोस डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सर्फेस आप इस एक्टिविटी को भी कर सकते हो यू हैव अ टेबल आप उस टेबल पे किसी अपने बॉक्स को ले लो पेंसिल बॉक्स को और उसको स्लाइड करो ठीक है सो वेन यू विल स्लाइड एज आई एम डूइंग दिस दिस लाइक राइट नाउ इज द पेन एंड आई एम स्लाइडिंग इट सो आफ्टर मूविंग फॉर सम टाइम द पेन हैज ऑटोमेटिकली स्टॉप वाई इट हैज स्टॉप्ड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ओके बिकॉज फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सो दैट्स वाई इट इज रिटन कि फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स की हमेशा टेंडेंसी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फीचर कह लो फीचर्स होती है कि इट टेंड्स टू इट ट्राइज टू स्टॉप और स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट की गति होती है जो भी वस्तुओं की स्पीड या गति होती है मूवमेंट होती है वो मोशन में होते हैं उनको ये रोकने की कोशिश करती है फ्रिक्शनल फोर्स या उसके स्पीड को स्लो डाउन करने की रिड्यूस करने की लेस करने की कम करने की कोशिश करती है फ्रिक्शन जो है वो रोकती है या धीरे कर देती है ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को उनकी गति को अक्रॉस अ सर्फेस किसी सर्फेस के अलाउ किसी के दौरान अ लार्ज पार्ट ऑफ अ सर्फेस ओके फॉर एग्जाम्पल वेन यू स्टॉप पेडलिंग योर बाईसाइकिल जब आप अपने बाईसाइकिल में पेडलिंग करना स्टॉप कर देते यू नो वेन यू हैव टू मूव विथ योर बाईसाइकिल यू हैव टू मूव योर बाईसाइकिल यू हैव टू पैडल इट ऑल्सो आपको उसकी पेडलिंग करनी पड़ेगी देन ओनली द विल मूव ओके लेकिन जैसे ही आप पेडलिंग करना स्टॉप करते हो यू स्टॉप योर बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोस डाउन एंड स्टॉप्स ग्रेजुअली मीन स्लोली तो धीरे धीरे जो आपकी साइकिल की स्पीड है वो धीरे हो जाती है और अल्टीमेटली इट स्टॉप साइकिल आपकी रुक जाती है So, it happens due to the frictional force, which is acting between the tires of the bicycle and the ground or the road or wherever you are moving your, with your bicycle. Okay. Now, the next fact about friction is smooth surfaces produce less friction than rough surfaces. Yes, this is also a fact. कि जितना ज्यादा स्मूथ सर्फेस होगा वॉट इज द एक्सम्पल ऑफ अ स्मूथ सर्फेस नाउ दर्फेस ऑफ दिस टेबल द ऑफ दिस बुक इट इज इज इट विल बी एन विल्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ सर्फेस बिल्कुल ये प्लेन है इसमें कोई भी रफनेस खुरदरापन नहीं है ये इवन है इवन सर्फेस है बिल्कुल सो so, जो सर्फेस आपको टच करने में स्मूथ लगे प्लेन लगे बिल्कुल उसमें कोई भी रफनेस फील ना हो सो दैट सर्फेसेस आर नोन एज स्मूथ सर्फेसेस तो स्मूथ सर्फेसेस जो है वो कम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करती है इन कंपेरिजन टू द रफ सर्फेसेस सर्फेसेस रफ के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जो माउंटेनियस रोड होते हैं या माउंटेनियस टेरेंस होते हैं हिली रॉकी सर्फेसेस होते हैं है, या जो जहां पे बहुत सारे टाइनी स्टोन्स या पेबल्स कंकर पत्थर होते हैं वैसी जमीन होती है जहां पे लैंड दैट इज मोस्टली कवर्ड विथ पेबल्स एंड स्टोन टाइनी स्टोन सो दो एग्जाम्पल ऑफ रफ सर्फेसेस जहां पे जो सर्फेस है वो खुरदरी हो स्मूथ ना हो तो जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी वो सरफेस उतना ज्यादा दैट मच फ्रिक्शनल फोर्स इट विल अप्लाई और जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स दैट सर्फेस विल अप्लाई सो दिस इज अ फैक्ट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि स्मूथ सर्फेसेस दे प्रोड्यूस दे अप्लाई लेस फ्रिक्शन इन कंपेरिजन टू द रफ सर्फेसेस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके क्या फायदे हैं क्या एडवांटेज है क्या प्लस पॉइंट्स हैं द फ्रिक्शन बिटवीन आर फीट एंड द ग्राउंड मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ये कैन सी फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं और वो फ्रिक्शनल फोर्स दैट वर्स बिटवीन आर फीट हमारे पैरों और जमीन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है दैट्स वाई उसकी वजह से ये संभव हो पाता है कि हम वॉक कर सके चल सके द फ्रिक्शन बिटवीन आर फीट एंड द ग्राउंड मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू वॉक वी के नॉट वॉक इजिली ऑन आइस वेरी स्मूथ फ्लोर बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन यस हम आसानी से नहीं चल सकते आपने भी किया होगा वेन यूर ममाजोर फ्लोर इट बिकम स्मूद मोर स्मूद यूजनी ज्यादा स्मूथ सर्फेस होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा और जितना कम फ्रिक्शन होगा तो स्लाइड करने के फिसलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे सो दैट्स वाई कि ये इजी नहीं होता है कि हम आइस पर बर्फ पर या गीले फर्श पर या बहुत ज्यादा स्मूथ फ्लोर हो बहुत ज्यादा प्लेन बिल्कुल सरफेस हो उसमें थोड़ी सी भी रफनेस ना हो तो उस पर चल पाना बहुत ही मुश्किल होता है वाई बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन एंड वी नो द फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अस जो हमें वॉक करने में हेल्प करती है फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन आर फीट एंड द ग्राउंड और आपने नोटिस भी किया होगा आपके जो स्लीपर्स होते हैं या शूज होते हैं उसके सोल में कुछ पैटर्न बने होते हैं ठीक है कुछ ग्रुप्स बने होते हैं सो दैट इट विल मेक इजी इट विल इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड यू कैन मूव इजिली ऑन द ग्राउंड और ऑन द रोड ओके सो द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स मेक देम मूव ऑन द रोड सिमिलरली जब आप कोई व्हीकल पे चल रहे होते हो व्हीकल के थ्रू मूव कर रहे होते हो देन द व्हीकल इज ऑल ऑब्वियसली द व्हीकल इज हैविंग टायर्स तो टायर्स पे भी वैसे पैटर्न्स वैसे ग्रुप्स बने होते हैं यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो यू कैन सी द व्हीकल्स टायर्स यू मस्ट बी हैविंग व्हीकल्स इन योर होम सो द टायर्स दे आर ऑल्सो ऑफ डिजाइन और पैटर्न और ग्रुप्स ग्रूप्स मीन गड्ढे तो टायर्स में भी ग्रूप्स बने होते हैं कुछ पैटर्न बने होते हैं वाई इज इट सो सो दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन द टायर्स कुड मूव इजिली ऑन द रोड ओके तो फ्रिक्शन जो है इट नॉट ओनली हेल्प ह्यूमन बींग्स

नेक्स्ट इज फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड पेन हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर हमारे पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा होता है जिसकी वजह से वी आर एबल टू राइट ऑन द पेपर हम किसी भी पेपर पर लिख पाते हैं एज यू कैन सी इन इन दिस पिक्चर फ्रिक्शन फ्रिक्शन टू टू राइट अस होल्ड पेन और पेंसिल हैंड्स और फ्रिक्शन जो है हमें हेल्प करती है कि हम अपने पेन pen और पेंसिल को अपने हाथों में पकड़ कर रख सके ठीक है फ्रिक्शन हेल्प अस टू होल्ड पेन और पेंसिल इन आर हैंड्स

टू रेजिस्ट और टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओके तो फ्रिक्शन जो है वो हमें हेल्प करता है पेन या पेंसिल को अपने हाथों में होल्ड करके रखने में वी कुड नॉट होल्ड अ पेन और पेंसिल इन आवर हैंड विदउट फ्रिक्शन हम नहीं होल्ड कर पाएंगे पेन और पेंसिल को अपने हाथों में फ्रिक्शनल फोर्स के बिना एंड द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड इरेजर यूजेज फ्रिक्शन टू रब ऑफ पेंसिल मार्क्स

वो मिटा सके पेंसिल के निशानों को पेंसिल से बने हुए मार्क्स को ओके सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच आई हैव विद यू सो फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो किड्स दिस मच ओनली वोट एवर टॉपिक आई हैव यू आई हैव टोल्ड यू यू हैव टू गो थ्रू दैट यू हैव टू रीड दैट मच क्वेश्चन एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किड्स इन एवरी वीडियो ऑफ माइंड आई सजेस्ट यू आई इंस्ट्रक्ट यू टू डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर एज मच एज यू कैन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन to improve your reading skill, to understand the things completely, to have a better concept clarity and side by side whatever new words you come across, you note down those new words in your rough notebook along with finding the meaning of those words in, from the dictionary, from the internet. So, by the way, I am explaining all the meanings of the difficult words but even then you could also do that thing by your side. That will enhance your uh, vocabulary, word power, okay? and one day you will find that your rough notebook has been filled with lots of new words and that you can again and again revise and you can also use those words in your daily life while talking to your parents or elder brothers and sisters or younger brothers and sisters or siblings of yours okay so that will be a very good habit inculcated in you so again i will tell you keep on reading don't skip the reading task read the chapter read the portion as much i have taught you explain you in my video and side by side keep on completing your previous chapter works both the book work and notebook work properly neatly and cleanly without any spelling errors and also take care of use of small and capital letters while doing work always use dark writing pencil to complete your work and mention proper date and day chapter number chapter name along with the heading of the work you are doing if you are doing keywords you should write keywords if you are doing question answer you should write question answers then complete the diagram work also neatly and cleanly along with the labeling of the diagram and don't forget to share your work with the subject teacher on a personal number for checking of your work so take care of all these points and keep on doing well for, in your studies as well as health wise so that's all for today's class whatever is the remaining topic i will discuss with you later on okay so that's all for today's class thank you for the class take care of your health of your studies thank you